अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ बादाम के मिल्कशेक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरे पास 25 अदद बादाम थे जिनको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। 2 टेबलस्पून हीप्ड मेरे पास शुगर है, शुगर आप हस्ब जायका भी ले सकती हैं, चीनी है ग्रैनुलेटेड, और 1 कप मेरे पास फ्रेश मिल्क है। बादाम को भिगो दिया था तो अभी मैं इनको छीलूंगी, इनका छिलका उतारूंगी। तो चूँकि ये भीगे हुए सारी रात तो ये आराम से इनका छिलका उतर जाएगा, तो अभी मैं इन सब का छिलका उतारूंगी, इनको पील करूंगी। बादाम मैंने छील लिए हैं, पील कर लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। अभी यहाँ मेरे पास एक ब्लेंडर जार है, इस ब्लेंडर जार में मैं ये सारे बादाम डाल दूंगी। आप चाहें तो बादामों की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकती हैं, नाश्ते से पहले बहुत अच्छा है, हेल्दी है, रिफ्रेशिंग है। अगर आप गर्मियों में बना रही हैं तो फिर आप बर्फ भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने डाल दिया, अभी हम इस पर लिड लगा के इसको ब्लेंड करेंगे अच्छा सा। हमारा बादाम का मिल्क शेक रेडी हो गया है, ब्लेंड हो गया, अभी हम इसको सर्विंग ग्लास में पोर करेंगे। ये मैंने आपको 1 ग्लास की रेसिपी बताई है। देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा बादाम का या आलमंड मिल्क शेक है ये रेडी है, इसका ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।